उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कैब ड्राइवर की पिटाई करने वाली प्रियदर्शिनी नारायणन यादव को नोटिस देने के बाद रविवार को कृष्णा नगर कोतवाली बुलाया। यहां करीब दो घंटे उससे पूछताछ की गई। विवेचक इंस्पेक्टर बत्रा जितेंद्र कुमार सिंह ने युवती से पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर कृष्णा नगर भी मौजूद रहे। उधर लखनऊ पुलिस ने आज यानी सोमवार को कैब ड्राइवर शहादत अली को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। प्रियदर्शिनी ने पुलिस के सामने दिए बयान में भीड़ पर पिटाई का आरोप लगाया है। उसने कहा कि कैब ड्राइवर मुझे टक्कर मारने वाला था और फोन पर बात कर रहा था। रेड लाइट पर उसने नियम तोड़े, इस वजह से मैंने उसे पीट दिया। युवती ने पुलिस से कहा कि सड़क पर चलते समय कई यात्रियों और व्यक्तियों ने उसे प्रताड़ित किया, इसलिए वह अपने आसपास होने वाली ऐसी किसी भी घटना को लेकर बहुत सतर्क हो गई थी। दरअसल दोस्तों, लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के 12 बीरवा चौराहे पर युवती प्रियदर्शनी यादव ने कैब ड्राइवर शहादत अली को बीच सड़क पर जमकर पीटा था। युवती ने ड्राइवर को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े थे। इस दौरान वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। घटना की वजह से जाम की स्थिति बन गई थी और लोगों की भीड़ लग गई थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो युवती उनसे भी उलझ गई थी। यही नहीं, युवती ने उनमें से एक युवक को भी थप्पड़ जड़ दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के 3 वीडियो सामने आए हैं। 2 वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बनाए थे, जबकि एक वीडियो चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हकीकत भी सामने आ गई थी। फुटेज देखने के बाद इसमें युवती की गलती ही दिखाई दी, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर छा गया। युवती की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लाखों ट्वीट किए जाने लगे। मामले में दबाव बढ़ता देख पुलिस ने युवती के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जानकारी के मुताबिक कैब चालक समिति ने युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कार्यवाही न होने पर चालकों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित युवती को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। बता दें कि इस मामले में थाना इंचार्ज समेत उप निरीक्षक और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जा चुका है। साथ ही इस मामले की जांच अब ADSP सेंट्रल जोन चिरंजीवी नाथ सिन्हा को सौंपी गई है। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र महेश दुबे, उप निरीक्षक मनान और चौकी इंचार्ज भोला खेड़ा हरेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया था। थाना इंचार्ज पर अपने उच्च अधिकारियों को मिस गाइड करने का आरोप लगा है, जबकि चौकी इंचार्ज पर कैब ड्राइवर शहादत अली ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज ने एक दूसरे पर जानकारी न देने का भी आरोप लगाया था।